नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों का एक्सेल टिप्स क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा मंडी परिषद का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, ठीक है। मंडी परिषद के एग्ज़ाम में हम ना के बराबर दिन बचे हुए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है हमारा वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है। वर्ल्ड सेंचुरी मतलब वन्य जीव विहार और पक्षी विहार, यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। हर बार एक से दो प्रश्न आते हैं जिनको अक्सर का लोग छोड़ देते हैं, तो केवल दो वीडियो रहने वाली हैं। और वैसे भी दिन भी आपको पता है ना के बराबर दिन बचे हुए हैं, तो दो वीडियोस हैं। ये हमारा पार्ट वन है जिसमें हम लोग जो है वन्य जीव विहार को देखेंगे, और इसके जस्ट बाद जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा पक्षी विहार से रिलेटेड, ठीक है। पक्षी विहार से रिलेटेड ये हमारा वीडियो होगा, तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये अगर आप लोग कवर कर लेते हो तो दो नंबर तो आप लोगों के पक्के हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कर प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ल्ड सेंचुरी को, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला आपको बता दें कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ये देखो ये कहाँ पर? लखीमपुर खीरी। इसको याद कर लो, ठीक है, और इसकी डेट और याद कर लो। ये जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये बहुत पुराना है, इसके अलावा बहुत फेमस भी है। इसकी डेट अक्सर कर पूछी जाती है 1977, कब है ये 1977 में, याद रखना, ठीक है। ये कहाँ पर? लखीमपुर खीरी। वैसे भी बिल्कुल सिंपल है कि देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दूध से क्या बनती है? दूध से बनती है हमारी खीर, तो क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान खीर, ठीक है। खीर से याद रखना आपको खीरी, तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आप याद रख सकते हो। अगला है आपका चंद प्रभा वन्य जीव विहार। चंद प्रभा वन्य जीव विहार ये कहाँ पर? चंदौली में है, चंदौली में, तो याद रखे। देखें यहाँ पर जो डेटा दी गई है वो मतलब जो ईयर दी है वो महत्वपूर्ण है, पर आपको हर चीज़ की ईयर तो याद रख नहीं सकते, ये भी रियलिटी है। तो आपको क्या करना है, जैसे जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका ये हो गया दुधवा वाला हो गया, ठीक है, और इसके अलावा हस्तिनापुर हो गया, तो ये कुछ हैं जिनकी आपको डेटा याद रखनी है। इसके अलावा केवल आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। अगला है आपका किशनपुर वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर? ये है आपका लखीमपुर खीरी में। अगर इसकी स्थापना की बात करें 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर है? कतरनिया घाट वन्य जीव विहार ये आपका है बहराइच में। कहाँ पर? बहराइच में, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1976 में। कब हुआ था? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका रानीपुर वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर है? ये आपका बांदा और चित्रकूट में। कहाँ पर है? बांदा और चित्रकूट में है। इसकी अगर डेट की बात करें तो इसकी ईयर है 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, जस्ट लाइक एस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी के टाइम पे, ठीक है। अगला है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर? ये ललितपुर में, ठीक है, महावीर स्वामी ललितपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर? ये आगरा और इटावा में है। चंबल जीव विहार कहाँ पर है? ये आगरा और इटावा में है। इसके अलावा कैमूर वन्य जीव विहार ये कहाँ पर है? ये देखो मिर्जापुर में सोनभद्र की बिंद पर्वत श्रृंखलाओं में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना भी हुई थी। अगला है आपका कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पे है? देखो ये जो है मेरठ गाजियाबाद बिजनौर एवं ज्योतिबा फूले नगर में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना करी गई थी। देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, अक्सर कर इस टॉपिक को जो है कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे सारी चीज़ें। तो अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला है दोस्तों आपका सोहा जी वर्बा वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर? ये है आपका महाराजगंज में। कहाँ पर? महाराजगंज में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम बात करें सुहेलवा वन्य जीव विहार की, तो ये कहाँ पर है? ये है आपका बलरामपुर श्रावस्ती व गोंडा, ठीक है, बलरामपुर श्रावस्ती व गोंडा में है ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है आपका कछुआ वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर? यह है रामनगर में, और रामनगर वाराणसी में। कहाँ पर है? रामनगर वाराणसी में। ये है कछुआ वन्य जीव विहार, ये फेमस है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये जो है कछुआ वन्य जीव विहार। इसकी डेट भी पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है ये आखिरकार कहाँ पर है, वाराणसी में ये कहाँ पर है? वाराणसी में, रामनगर में। तो ये सारी बातें याद रखें। अगला है आपका नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? नवाबगंज पक्षी विहार जो है आपका उन्नाव में है, उन्नाव,
ठीक है, कहाँ पे? नवाबगंज, पक्षी विहार, उन्नाव। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नवा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी नाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रेट कर रहा है ना नवाब, ठीक है। नवाब लोग जो होते हैं वो किस में बैठते हैं अक्सर कर, वो नाव में बैठना पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये याद रख सकते। ये 1984, इस पर भी स्टार बना लो, ये भी पूछा गया बहुत बार। अगला है आपका समसपुर पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? राय बरेली में है। और इसकी अगर वर्ष की बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, तो 1987 में इसको स्थापित किया गया था। लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? लाख बहोसी पक्षी विहार जो है आपका कन्नौज में है। और इसकी अगर डेट की बात करें, इसकी डेट कितनी है? इसकी ईयर है 1988। नेक्स्ट है सांडी पक्षी विहार, हरदोई। देखो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको हरदोई से एक शब्द याद आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है गाँव वगैरह में है, नंदोई, याद आ रहा है नंदोई, ठीक है, हरदोई से नंदोई। देखो किसी किसी की ट्रिक बन सकती है उसकी बना रहे हैं, और जोर जबरदस्ती टांग खींच करते हुए ट्रिक बनाएंगे नहीं, तो जिसकी बन सकती है उसकी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरदोई से साउंड निकल रहा नंदोई। देखो मतलब गांव में क्या कहते हैं, नंदोई की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी जाती है, क्या कहते हैं, नंदोई की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाती है। तो नंदोई जो है वो कैसा दिखता है, वो सांड जैसा दिखता है, कैसा दिखता है, सांड जैसा, मतलब मोटा तगड़ा एकदम, ये देखो मोटा तगड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा, ये पैर है छोटे छोटे यहाँ पे। तो बखीरा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर, 1990 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये आपकी पार्ट वन था, और इसके जस्ट बाद हम लोग पार्ट टू लेकर के आ रहे हैं। पार्ट टू देखो ये महत्वपूर्ण है, अगर 5 या 10 मिनट में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप इसको करते रहो, और हो सकता है कि इसमें से फंस भी जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और खनिजों वाला एक वीडियो भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे UPPCS और UP SSSC के सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में, क्योंकि लोअर PCS ऑलरेडी आने वाला है, आपको पता है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो उसके लिए रनिंग बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी प्लस पे, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल यहाँ का फी स्ट्रक्चर है, कोई भी कठिन नहीं है। देखिएगा यहाँ पे अगर आप 12 महीने का लेते हैं प्लान, ठीक है, तो आपको 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा, मतलब 6,000 रुपये का प्लान होगा, जिसमें आप अगर UPPCS की तैयारी करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर UPSSSC की तैयारी करना चाहें वो कर सकते हैं। टॉप 25 टीचर्स हैं हमारे पास में, जिनका ऑलरेडी खुद का UPPCS, और बहुत सारे जो टीचर हैं जो कि ग्रुप सी के लिए भी पढ़ाएंगे, उनका UPSSSC के किसी ना किसी पोस्ट पर आखिरकार सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि देखिए YouTube वगैरह पर भी आपको मालूम है कि मतलब कि क्लास का जो शेड्यूल है वो रेगुलर नहीं हो पाता है, पर यहाँ पर क्या है कि हमारे टॉप 25 जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, और बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनका ऑलरेडी UPPCS भी क्लियर हुआ है। तो अगर आप इस पे डिस्काउंट भी चाहते हैं कुछ, तो आप ये मेरा रेफरल कोड है, ये केवल वेरीफाइड एजुकेटर्स के पास होता है, जैसे कि मैं वेरीफाइड हूँ, तो ये रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या होगा, 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए आप पूरी साल अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 6,000 का कोर्स होता है वैसे, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 90% ही पैसे देने होंगे, मतलब ये 5,400 रुपये का आपका पैक पड़ेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि टॉप 25 टीचर से पढ़ सकते हैं। मान के चलिएगा अगर आप ऑफलाइन भी जाते हैं तो भी आपको 500 रुपये में एक ही टीचर मिलेगा, यहाँ पर आपको 25 टीचर मिल रहे हैं, ठीक है, और जो कि आपको दोनों चीज़ों की तैयारी करा सकते हैं, UPPCS की भी, UPSSSC की भी। तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए, और डेमो आप लेना चाहते हैं तो इसका डेमो भी अवेलेबल है, ये हमारा 1 मंथ का पैक है, आप 1 मंथ के पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। लोअर PCS आने वाला है, देखिएगा वहाँ पे आपको सारे टीचर्स स्ट्रक्चर वाइज सारी स्टडी कराएंगे, जैसे कि मॉर्निंग में हमारा करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है, करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, GS होगा हमारा, हिंदी होगा, और मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस, और ऐसे वगैरह राइटिंग प्रैक्टिस, सारी चीज़ें आपको जब यहाँ मिल रही हैं तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, तो मेरा नंबर है 94-56-98-10-97, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा अब चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।